नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम जन सरोकार। जन सरोकार में आज हम बात करेंगे वोट डालना क्यों जरूरी है। पहले मतदान, फिर जलपान, एक एक वोट जरूरी है। हर बार लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सवों में ये बात कही जाती है। मतदाताओं से अपील की जाती है कि अपना वोट जरूर डालें। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए 224 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी लेते हुए बेंगलुरु में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद नारायण मूर्ति ने बहुत आपदा यहाँ पर पते की भी एक बात कही है। इन्फोसिस के संस्थापक ने अपने माता पिता से मिली सीख का हवाला देते हुए युवाओं से अपील की। आपको बता दें कि यहाँ पर नारायण मूर्ति अपनी विधानसभा सीट पर वोट डालने के लिए आज सुबह ही विदेश से यहाँ पर बेंगलुरु पहुँचे और वहाँ पर उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने भी वोट डाला। सुधा मूर्ति ने कहा है कि अगर हमें बुजुर्ग लोग वोट डाल सकते हैं तो आप जैसे युवा लोग क्यों नहीं मतदान कर सकते हैं। वहीं अपना वोट डालने के बाद नारायण मूर्ति ने कहा कि पहले हमें वोट डालना चाहिए, फिर यहाँ पर कहना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो हमें आलोचना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। नारायण मूर्ति ने युवाओं से मतदान की अपील करते हुए कहा कि घर के बड़े लोगों को यहाँ पर युवा सदस्यों के साथ बैठना चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए कि मतदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता ने भी यही किया था। मतदान के दिन वो सुनिश्चित करते थे कि यहाँ पर बिना वोट डाले हम कहीं और ना जाएं। वे ये पक्का कर लेते थे कि हमें मतदान किया या नहीं, और मैं इसके लिए पूरी तरह से बड़ों की जिम्मेदारी भी मानता हूँ। मैं लोगों से लोकतंत्र की जीत और साथ ही राज्य के भविष्य के लिए वोट करने की भी अपील करूँगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, लेकिन उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। उनके बहुत लोग यहाँ पर अपील पर बाहर हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने यहाँ पर कितनी राशि का निवेश किया, ये सब बातें भी सभी जानते हैं। सिर्फ बीजेपी को ही यहाँ पर नहीं, मैं हर पार्टी को यहाँ पर दोष दूंगा। हर बार हम निष्पक्ष चुनावों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल कागजों में इसकी यहाँ पर घोषणा की जाती है। ज़मीनी हकीकत अलग है। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को दूर करने वाली और साथ ही विकास करने वाली सरकार आए, और इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 135 सीट यहाँ पर जीतेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का मतदान एक चरण में हो रहा है। सभी 224 सीटों के नतीजे 13 मई को आएंगे। सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया है कि एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की बहुमत के साथ ही सरकार बनेगी। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर कलबुर्गी में वोट डालने के बाद कांग्रेस को 130 से 135 सीटें आने का दावा किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 80 और साथ ही JDS ने यहाँ पर 37 सीटें जीती थी। आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।